गुड मॉर्निंग, सर्विस डेटा में आपका स्वागत है। आइए आपको पढ़ाएंगे आप एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजी व्यंजकों का जोड़। आइए देखते हैं, बीजी व्यंजकों को जोड़ हम दो तरह से करते हैं। पहला है एडिशन ऑफ लाइक टर्म, इसको हम दो तरह करते हैं। नंबर एक है एडिशन ऑफ लाइक टर्म, यह है दशम ऑफ टू आर मोर लाइक टर्म, है ना। दो व्यंजकों को उसमें दो या दो से अधिक व्यंजक जोड़ते हैं जो समान पद में हो, लाइक हो। जैसे एग्जांपल है, लिखा है ऐड ऐड 3xy² माइनस 3xy² माइनस 2xy² एंड 5xy². अब ये लाइक मतलब हो गया जो सब समान हो, इसमें y² और सिंगल x है, इसको सब जोड़ना है, ये सब है, ठीक ना। एक पहला है 3xy², दूसरा है माइनस 3xy², तीसरा है माइनस 2xy² एंड चौथा है 5xy². देखते हैं द रिक्वायरमेंट और सोल्यूशन है क्या है जगह। अब इसको लिखते हैं, प्लस ऐड में प्लस करना है, लेंगे 3xy² प्लस माइनस 3xy² प्लस माइनस 2xy² प्लस 5xy² हो गया सब प्लस। अब ब्रैकेट आएंगे, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो चेंज बदल देता है, चेंज होता है। ये देखते हैं बराबर 3xy² माइनस 3xy² माइनस 2xy² प्लस 5xy². अब इसका गुणांक 3 है, इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 5 है। अब इसमें ये 3 और ये 2 वाला जो है ये माइनस है, तो माइनस माइनस जोड़ लेंगे और प्लस प्लस कर देंगे, तो जाएगा 5 3 8 xy² माइनस 3 2 5 xy². अब इसे हम 8 से 5 हटा देंगे, आएगा 3xy², ये हमारा आंसर हो गया। अब उसे जब कर सकते हैं तो इसका हम इसे काट देंगे, इसे कट गया और इसमें से घटा दिया तभी आ गया 3y², तभी आएगा 5 से 3 2 गया, ठीक। आप ऐसे ही कर सकते हैं, जैसे ऐसे कर देंगे। ये दूसरा एग्जांपल, दूसरा है दूसरा एग्जांपल है एग्जाम्पल है लिखा है ऐड माइनस 7xy कामा माइनस 3xy एंड माइनस 8xy, ठीक। पहला पद है माइनस 7xy, दूसरा माइनस 3xy और तीसरा माइनस 8xy। सोल्यूशन है करेंगे, लिखेंगे माइनस 7xy प्लस माइनस 3xy प्लस माइनस 8xy। अब घटाएंगे बराबर माइनस 7xy माइनस 3xy माइनस 8xy। अब इसमें सब माइनस है, सबको आप इसमें जोड़ लेंगे, चिन्ह माइनस रहेगा, हो गया माइनस। अब 8 3 11 7 या 7 3 10 18 18xy क्या गया माइनस 18xy, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसमें दूसरा है अनलाइक एडिशन ऑफ अनलाइक टर्म, और दूसरा है एडिशन ऑफ अनलाइक टर्म, जोड़ का दूसरा व्यंजक है एडिशन ऑफ अनलाइक।
अब तक था समान व्यंजकों का, अब है असमान व्यंजकों का जोड़। दूसरा है एडिशन आप अनलाइक टर्म्स, असमान व्यंजकों का जोड़े। पहला था समान व्यंजकों का जोड़, यह है असमान व्यंजकों का जोड़। आइए देखते हैं असमान व्यंजकों में हम सबसे पहले समान को समान कर देंगे और असमान को मिलाएंगे। आइए देखते हैं एग्जाम्पल है फाइव एक्स वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई एंड माइनस एक्स वाई। ठीक, अब ये हमारा सवाल है सॉल्यूशंस का। सॉल्यूशन है क्या, ये देखिए पहले लिख लेंगे फाइव एक्स वाई स्क्वायर प्लस माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस एक्स वाई। अब देखकर ठहराएंगे फाइव एक्स वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस एक्स वाई। अब इसमें कोई पद समान नहीं है तब इसको जोड़ने में बस किससे कोई जुड़ेगा नहीं, से उससे उतार देंगे हो जाएगा। पहले सबसे लिखेंगे एक्स वाला पद को लिखेंगे फाइव बड़ा फाइव एक्स वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई, या आर एम से लिख सकते हैं माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस फाइव एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। पहले एक्स की घात तब फिर वाई की घात तब फिर वह एक्स वाई। ठीक, हम दोनों लिखते हैं। अब लिखिए अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल है फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एट माइनस नाइन प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू माइनस एक्स प्लस टू हो गया। ये हमारा सवाल था। आइए देखते हैं इसमें अब जो लाइक है सो लाइक कर देंगे, नहीं है उसको सो लिख देंगे। अब क्या है फोर एक्स स्क्वायर सॉल्यूशन में माइनस टू एक्स प्लस एट माइनस नाइन प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। अब हम एक्स स्क्वायर को अलग करोगे जो एक्स स्क्वायर वाले अलग करोगे क्या है फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स स्क्वायर अब एक्स वाला माइनस टू एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस एक्स वह फिर लास्ट में अचर पद प्लस एट माइनस नाइन प्लस टू। ठीक, अब इसमें करेंगे तो ये माइनस है और ये प्लस है पाँच चार नौ नौ में से तीन गया छः एक्स स्क्वायर इधर हो गया माइनस टू एक्स है पाँच एक्स है और एक्स है तो एक्स एक्स तीन एक्स पाँच से तीन गया दो एक्स प्लस टू एक्स। अब ये प्लस आठ है प्लस टू आठ दो दस में हो गया एक प्लस वन ये आ गया हमारा। अब इसी करने का एक और तरीका है ये था तो और एक एग्जांपल देखिए और तरीका एक है अब एक कालम विधि से छुड़ाएंगे क्या है ये देखते हैं।
एग्जाम्पल है, कॉलम मेथड। क्या है एग्जाम्पल है, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सेवन वाई माइनस सोलह जेड स्क्वायर कामा फोर वाई प्लस एक्स स्क्वायर, फोर वाई प्लस एक्स स्क्वायर कामा फोर एक्स स्क्वायर प्लस बारह जेड स्क्वायर माइनस नौ वाई एंड टू वाई माइनस फाइव, टू वाई माइनस फाइव स्क्वायर। ये हमारा सवाल है, अब इसको क्या करेंगे, सोल्यूशन है। पहले हम इसको कॉलम कर लेंगे, कॉलम में पहले सबसे क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे छः एक्स स्क्वायर प्लस सात वाई माइनस सोलह जेड स्क्वायर। दूसरा है अब एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर रखेंगे, दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई। तीसरा है फोर एक्स स्क्वायर माइनस नाइन वाई प्लस बारह जेड स्क्वायर। चौथा है माइनस पाँच एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई खाली। अब जोड़ेंगे सबको, जो बस जहाँ है उसको लिखेंगे। अब इसमें यहाँ नहीं कर देंगे, यहाँ नहीं पद कर दिया, यहाँ है यहाँ नहीं है, अब लाएंगे। अब यहाँ सोलह जेड है और इसमें इसमें नहीं है, इसमें नहीं है तो करेंगे सोलह और बारह, ये माइनस से प्लस है तो सोलह में से बारह गया आ जाएगा चार माइनस चार जेड स्क्वायर। इधर देखेंगे ये माइनस पाँच एक्स, इसमें सात वाई है, ये चार वाई है, ये नौ वाई है, दो है तो प्लस सात चार ग्यारह दो तेरह में से नौ गया नौ चार तेरह चार वाई। अब इधर प्लस हो गया, अब इधर छः यहाँ एक छः सात सात चार ग्यारह, ग्यारह में से पाँच गया छः पाँच ग्यारह छः एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया, ये था हमारा कॉलम विधि। ये हमारे आप आज हम पढ़ा आपको एडिशन ऑफ एडिशन बीजी बीजों का जोड़। आप इतना ही, धन्यवाद।